तीन की गिनती पे आप सिक्का ढूंढना शुरू करेंगे। सिक्का गिराया जाए। सभी बच्चे इस राउंड के लिए तैयार? साथ साथ खेल शुरू। सभी बच्चे जल्द से जल्द मिट्टी और कचरे से भरे इस पानी में सिक्का ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देखना ये है सबसे पहले किसे मिलेगा सिक्का। ये खेल आसान दिखता है मगर है नहीं। रोहन बाजवा पूरी तरह से खेल में शामिल। अगर पानी में थोड़ी देर मिट्टी छोड़ दी जाए थोड़ी देर में मिट्टी बैठने लग जाती। यारा, ये पत्ती मिट्टी की तरह बैठ क्यों नहीं गई? जो वस्तु हल्की होती है वो तैरती रहती है और जो वस्तु भारी होती है वो नीचे बैठ जाती है। लगता है बच्चों के हाथ में सिक्का मिल गया। जी हाँ, सबसे पहले सिक्का मनु ने निकाला तो विजेता वो है। मैं नहीं मानता। मन्नू ने कोई घपला किया होगा। अरे ऐसे कैसे निकाल लिया उसने? बाकी बच्चे बैठकर ढूंढ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो ऐसे ही खड़ा था और फिर कहता निकाल लिया। तो मजाक है क्या? अंकल जी, मैं खड़ा जरूर था लेकिन यही तो मेरा खेल था। मुझे पता है कि झच्चा आप पे मारने से सिक्का नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैंने इंतजार किया। क्योंकि खाली ढक्कन वगैरह पानी से हल्के होते हैं इसीलिए वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, पर सिक्का वो तो ठोस होता है इसीलिए वो धीरे धीरे करके टब की तली में जाके बैठ गया और मैंने झट से निकाल लिया। इसमें कोई बेईमानी नहीं है, सिर्फ विज्ञान। वाह, विज्ञान की समझ से मन्नू ने बहुत अच्छे से ये खेल खेला। तो इस तरह इस राउंड के विजेता हैं मनप्रीत सिंह पवनिया। दूसरे स्थान पर हैं युवराज सिंह पवनिया और आखिरी और तीसरा स्थान है रोहन बाजवा। है सबसे मुश्किल खेल शारीरिक बल की परीक्षा। हाथ गाड़ी लाई जाए। आ!
ये जो तीन बच्चे अगले राउंड में पहुंचे हैं, इन्हें अपने हाथों से ये हाथ गाड़ियां खींचकर वो दूर उस कोने से वापस ले जाकर इस लाइन तक पहुंचना है, और जो सबसे पहले इस लाइन तक पहुंचेगा वो होगा इस प्रतियोगिता का विजेता। एक मिनट, अब इसमें क्या नया है? ये तो होता रहता। मेरे पास एक तरकीब। इस खेल का नाम है गगवाल द पुत्तर। तो क्यों ना बच्चे अपनी अपनी हाथ गाड़ी में अपनी अपनी माताओं को लेकर बैठे और फिर खींच के ले जाए। भाग मनु, तेज मनु, तेज। कौन भगा? मनप्रीत पवनिया प्रतियोगिता में वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो बाकी के प्रतियोगियों से काफी पीछे हैं। खेल के इस दौर में युवराज और रोहन के बीच काफी कड़ा मुकाबला देखने को नजर आ रहा है। और इसी के साथ युवराज ने रोहन को पीछे छोड़ दिया है। ऐसा तो ये पिद्दी जीत जाएगा। काम हमार जी, आप हमेशा आधा ही फोटो देखते हैं। आधा फोटो? गाड़ी का पहिया का पेच निकल गया तो का होगा? और टूट जाएगी, रुक जाएगी भाई। प्रतियोगिता में बड़ा ही उम्दा प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा को साबित कर ही दिया है। खुशियों के ये भी तो बने। मनु, मम्मी, मनु तू जीत गया। क्या बच्चा है? आज का मुकाबला काफी अच्छा रहा। तीनों बच्चों ने जोरदार प्रदर्शन किए। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि विजेता हमेशा एक ही होता है, वैसे ही आज इस प्रतियोगिता का विजेता भी एक ही है। तो इस साल गगवाल द पुत्तर ट्रॉफी दी जाती है। मनु जा ट्रॉफी ले ले। मनु ट्रॉफी तुझे बुला रही है, जा। युवराज सिंह पवनिया को। युवराज कैसे? उसे क्यों मिलेगी ट्रॉफी? जीत मन्नू की हुई है, ये सब गलत है। प्रतियोगिता का विजेता मेरा भाई मन्नू है, ना कि युवराज। अरे कैसे कह सकती हैं कि आपका मन्नू जीता? कैसे मतलब? पूरे गांव वालों ने देखा है कि मेरे भाई मन्नू की हाथ गाड़ी सबसे पहले लाइन पर पहुंची थी। अरे हाथ गाड़ी पूरी कहां पहुंची थी? और प्रतियोगिता के नियमों के अनुसार हाथ गाड़ी पर बच्चों की मां के साथ जो है हाथ गाड़ी लाइन के बाहर आनी चाहिए। आपके भाई की माताजी तो गाड़ी पे थी, लेकिन प्रतियोगिता में जो हाथ गाड़ी दी गई थी वो तो पूरी पहुंची ही नहीं, वो तो अधूरी ही पहुंची, क्योंकि गाड़ी का पहिया लाइन पर पहुंचने से पहले ही निकल गया। बेबे, आपको ये बेमानी की जीत मंजूर है?
आप जानती हैं कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मन्नू जीता है, युवराज नहीं। आपको पता है झूठ से मन्नू को पीछे किया जाता है युवराज से। बेबी कुछ तो बोलिए। बीजी, आप सब भूल गई ना? मनु ने क्या क्या नहीं किया हम सब के लिए, आप सब भूल गई? आप भी इन सबका साथ दे रही हो बीजी? ओ बच्चे, क्यों बहस कर रही है, है? और जीतते तो हम ही है ना, और मतलब हम पवनिया ही जीते हैं ना, ये बाज बात होनी जीते ना। आज महाभारत की याद आ गई बेबे, जब सब की आंखों पर पट्टी बंधी थी और द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। मैं जानती हूं कि मन्नू ने आज लड़ाई जीती है। मैं क्या, आप भी जानती हैं, ये सब जानते हैं। मेरे मन्नू को किसी प्रमाण या ट्रॉफी की जरूरत नहीं है, वो ही जीता है। मुझे फख्र है अपने बेटे पर। चल सिमी, ये आप सब अंधे हैं। ये पगड़ी, पगड़ी में कलगी, और ये तलवार, सही है ना? मुझे शाह बनने का कोई शौक नहीं, लेकिन मुझे मेरे पापा जी का सपना और मेरी मम्मी की बहुत परवाह है। तूने मेरे पापा जी का सपना तोड़ा है और मेरी मम्मी का दिल भी। ये पगड़ी, पगड़ी पे कलगी, ये तलवार, जितने दिन इनके साथ खेलना है ना खेल ले, क्योंकि कुछ दिनों बाद तेरी सच्चाई सबके सामने होगी। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। ठीक है छोटे, तुझे जो करना है कर ले, पर मैं शाह हूं, पवनियों का शाह, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्या हुआ, हार बर्दाश्त नहीं हो रही जो ये मुंह छुपा के भागने की तैयारी कर रही है? बड़ा कमांड था ना, मन्नू जीतेगा। और मन्नू होता तो जितता, और तो प्रीत है, प्रीत, मेरी प्रीत ही जीती थी, उसकी जीत को हार में बदल दिया बेमान ने। कहां रहेगी, सोचा है कुछ? क्या ये भी जानने का हक नहीं है मुझे अब? जाना है तो जाऊंगा, पर एक बात कान खोल के सुन ले, एक बार तू चली गई ना इस घर से तो वापस घुसने नहीं दूंगी घर में। बीजी, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अभी। क्या कर रहा मन्नू, देख नहीं रहा, पूजा कर रही हूँ। बीजी बस आखिरी बार आपसे मांग रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत गुस्से हैं, लेकिन ये मेरा आखिरी सबूत है, बस आप मेरे लिए देख लीजिए ना, वो युवराज है ना वो। तू तो हाथ धो के पीछे पड़ गया युवराज के। मेरे से और तेरी माँ से उसकी जीत देखी नहीं जा रही ना? जाने वाले थे ना तुम लोग, क्या हुआ गए नहीं? जाओ। बीजी, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे धोखा देगा, तेरी इतनी हिम्मत, जानता है मैं कौन हूँ? शाह हूँ मैं, शाह। एक झटके में तेरा नामो निशान मिटा सकता हूँ मैं। अबे क्या बोले जा रहा है,
मैंने कौन सा धोखा दिया तुम्हें? जैसा तुमने कहा था वैसे ही किया मैंने। अच्छा, तूने नहीं दी धमकी? मैं पागल हूँ जो यहाँ आया हूँ। इतनी मेहनत से उस बुढ़िया को पटाया था मैंने, उस मन्नू को रास्ते से हटाया था, एक एक करके उन सबको गाँव से निकाल देना है मैंने। ये सब कर सकता हूँ मैं सब, और तू मेरे नाम दंगा ले रहा है। अरे राम, ये बुढ़िया और ये पिद्दी यहाँ भी पहुंच गए? युवराज को जो चिट्ठी आई थी कहे हूँ, अरे बाबा, वो चिट्ठी मनुआ तो नहीं भेजवाया है? ये चिट्ठी तूने नहीं भेजी थी? ये मैंने नहीं भेजा यार, मैं क्यों भेजूंगा? तुम्हारा मेरा हिसाब तो बराबर हो गया था ना? तो तेरे नाम से कैसे आई? अच्छा, एक चोर को सारे चोर ही नजर आते बच्चे। चले कल यहाँ से, वरना तेरी जीत का सच मैं खुद जाकर सबको बता दूंगा, और फिर तुझे इस पिंड से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। पवनियों का शाह तो क्या, तू इस पिंड में रहने लायक भी नहीं बचेगा। तेरी इतनी हिम्मत, चोर बोलेगा मुझे? चोर हूं मैं? हाँ, चोर हूं, शाह हूं मैं, शाह। उस बुड्ढी ने शाह बनाया मैंने, शाह। उसके पिल्लों को धूल चढ़ाई है मैंने, और तू चोर बोल रहा है मैंने? आज ही तेरा फैसला करता हूँ, कल उस मन्नू को भी रास्ते से हटा लूंगा हमेशा के लिए। मम्मी, आप परेशान लग रही है, क्या हुआ? पता नहीं, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने कह तो दिया है कि हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे बाद पीजी का ख्याल कौन रखेगा? वो तो बेचारी बिल्कुल अकेली हो जाएगी। मम्मी, बीजी ने भी तो आपके साथ, वो रोकना चाहती थी। सच बोलूं तो मेरा भी दिल नहीं है जाने का, क्योंकि मैं उनको जगन के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती। उनका कौन ख्याल रखेगा यहाँ पर? हालात ऐसे हो गए कि हम रुक नहीं सकते। एक बार मनु आ जाए फिर हम चले जाएंगे। सिमी, तुझे पता है कि बीजी और मनु कहाँ गए हैं? बीजी, बीजी, आराम से बीजी। बीजी, आप ठीक हो ना? आपको लगी तो नहीं? मैं अभी आपके लिए पाया लेकर आता हूँ। तुझे मनु कहूँ या प्रीत? बीजी, आप मुझे चाहे जो भी कही, लेकिन अगर मैं आपके मुंह से एक बार प्रीत सुनूं तो मुझको बहुत अच्छा लगेगा। मेरी प्रीत, मेरा बच्चा, मुझे चढ़ के ना जा पुत्र, बैठ मेरे पास, देख लूं तुझे जी भर के देख लूं तुझे। बीजी, सब में आपकी कोई गलती नहीं है, बस उस शिवराज को पहचानने में गलती हुई है। बीजी, गलती हुई, मुझसे गलती हुई है, उसको पहचानने में नहीं, तुझे पहचानने में गलती हो गई। तेरी माँ सही कहती थी, हजार लड़कों के बराबर है मेरी लड़की, बोलती थी। तू तो लाखों में एक है मेरा बच्चा, लाखों में जी। लाखों से भी बढ़ के मेरी प्रीत, मेरे घर की शाह बनेगी, एक लड़की, और वो तू है प्रीत, तू शाह बनेगी, मेरी वारिस। मैनू माफ कर दे, माफ कर दे। पीछे नहीं, तेरे हिस्से में लिख दी मैंने उम्मीदों से भरी सदियां, तू ही है मेरी वारिस। लाडली, Thank you.
पीछे का कपड़ा जैसा शेर पुत्र पैदा किया है मैंने। तुझे क्या लगता है डर गई मैं तेरे से? सारे पिंड को तेरी असलियत बताऊंगी, समझी? मन्नू बनेगा मेरा शाह। उसने हमको यहाँ नहीं ना देखना चाहिए, पूरा भांडा फूट जाएगा। चलो चलो मन्नू, मन्नू, मन्नू। बेटा बेटा क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? कौन बेटा, बोलो बोलो क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? बेटा तुम्हारी बीवी को क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? रामा जगिया, हरिया जल्दी आओ, इस बच्चे की बीवी आगे से चलकर गिर गई है, हमें टाइम में तो की जाना पड़ेगा। बेटा तुम घबराओ मत, हम ढूंढ के आते हैं। बेटा इसका ध्यान रखना, चलो भाई चलो आ जाओ। इसका मतलब मनुआ ने हमको देखा नहीं? हाँ, पर क्या बुड्ढी मर गई होगी ना? हाँ जरूर मर गई होगी। जगन, वो बेबे और मनु बाहर गए हुए, अभी तक आए नहीं लौटकर। मैंने पूरा गांव छान मारा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तू जाके देख ले एक बार। किस हक से मदद मांग रही है मुझसे? हैं? एक तो तेरा नलायक बेटा बेबे को लेके गया हुआ, अब तक लौट के नहीं है। और मैंने तो सोचा था तुम लोगों की बुद्धा नहीं देखना पड़ेगा, चले जाओगे जल्दी। खराब कर दिया। जगन हमारे झगड़े होते रहेंगे, पर बेबे बूढ़ी है, हमारी माँ है, एक बार देख लेना जाके कि कहाँ हैं ये लोग। देख पड़ जाए, ये मनहूस बातें ना कर मेरे साथ, और तू अपनी फिक्र। मनु कहाँ रह गया था तू? बीजे कहाँ? मम्मी वो मैं आ रहा था, वो है ना गिर पीछे, ओके तबे खराब थी पीछे। मनु क्या बोल रहा है तू? साफ साफ बोल, बेबे कहाँ है? मम्मी आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अभी इसी वक्त। मम्मी चलिए मेरे साथ। मम्मी आपको जाना पड़ेगा मेरे साथ इसी वक्त, बहुत जरूरी है। चल चल पीछे। चुप कर रहा है। बेबे नहीं आई है, बेबे नहीं आई है, बेबे नहीं आई, बेबे नहीं है। किसको लेके आए हो? फिर ये कपड़ा मत हटाइएगा, ये खाई में गिर गई थी, इनका चेहरा बहुत खराब हो गया है, आप सब लोग देख नहीं पाएंगे। भरजाई नहीं, बेबे नहीं है ये, बेबे नहीं, बेबे नहीं है। बेबे नहीं है, वो नहीं हो सकती, बेबे नहीं हो सकती, नहीं। खबरदार,
बार अगर मेरी पीछी को हाथ भी लगा दे। ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से। क्या कह रहे मन्नू, मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? मैं तो पीछी से बहुत प्यार करता था, पीछी ने इस हालात को सारा दिया, कहाँ से कहाँ बिठाया मुझे, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बंद कर अपना ये नाटक। तेरी वजह से मेरी बीजी अपने घर वापस नहीं आ पाई। नहीं, 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 मेरी मेरी बेबे वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। लोहे का जिगर था मेरी बेबे का। अरे दसों को संभाल ले मेरी बेबे मर नहीं सकती, नहीं मेरी बेबे आत्महत्या नहीं कर सकती, मेरी बेबे आत्महत्या नहीं कर सकती, नहीं जान दी है मेरी बेबे की, मारा है मेरी बेबे को किसी ने। क्या बात कर रहे हैं मामान जी, हम किसी का खून कैसे कर सकते हैं, वो भी आपकी अम्मा का? हमारी समधन थी दीना बहन, कुछ तो सोच समझ कर इल्जाम लगाइए। ओए कमाल कर रहे हो सुखी के पापा, तुसे इल्जाम लगा रहे हो मेरी मेरी मम्मी के ऊपर, वो भी इतना बड़ा। चुप, मैं यहाँ और नहीं रहना चाहता, आप मेरा हिसाब कर दीजिए, आप तो वो बुढ़िया भी मर चुकी है, इससे पहले कोई गड़बड़ होए मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, आज ही मैं यहाँ से चला जाता हूँ। अरे बुरबा फुका, अरे आज जाओगे तो सारा खेत खराब हो जाएगा, सबको शक हो जाएगा कि बुढ़िया की मौत का कारण तुम हो। रुको थोड़े दिन, 13वीं के बाद तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे, तुझे